Today we are going to start a new chapter that is regarding physiology and sports. Now the question is, what is physiology? पढ़ा हुआ ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी कैंसरोलॉजी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था इसके बारे में कि क्या होता है. हाँ आप बताइए बेटे. यस यू टेल. ओके ठीक है. हाउ द लिविंग थिंग्स वर्क दैट इज कॉल्ड अ फिजियोलॉजी. जब हम बेटे एक्सरसाइज कोई भी करते हैं या बिफोर एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइज वी फील अ डिफरेंस इन अवर बॉडी. हमारी एक्टिविटी जो है फिजिकल एक्टिविटी करने से हमें जो चेंज आते हैं ठीक है ना दैट इज अ फिजिकल. इसमें हमारे फिटनेस के कॉम्पोनेंट्स हैं. पांच कॉम्पोनेंट्स हैं ना बेटा फिजिकल के. दैट इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस फ्लेक्सीबिलिटी कोऑर्डिनेशन इज देयर. देन वन मोर इज देयर स्पीड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस फ्लेक्सीबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन. तो जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या हम किसी भी तरीके का कोई काम करते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा हमारे में काफी सारी चेंजेस आ जाते हैं. वी गेट इनटू द चेंजेस. और वो क्यों आती है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम सारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उनमें थोड़ा बहुत फर्क आना शुरू होता है. और ये हमारे जो फिजिकल फिटनेस के कॉम्पोनेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने में या एक्सरसाइज से इन पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसके बारे में बताएंगे. नाउ द क्वेश्चन इज देयर दैट द डिफरेंस इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या हैं. हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं जेंडर डिफरेंस देखते हैं. As you all know that the gender differences between a male and female. ठीक है बेटा कुछ हद तक जो है उनकी एनर्जी उनका वर्किंग स्टाइल दैट इज सेम. बट ग्रेजुअली जो है जब वो बड़े होते जाते हैं तो उनके वर्किंग पैटर्न में उनकी ग्रोथ में हर एक में फर्क आना शुरू हो जाता है. ठीक है ना बेटा. और वो चीजें जो हैं वो मायने रखती हैं. दैट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है बेटे ये चीजें जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती हैं. अब डिस्टिंग्विश है फिजिकल क्या है. फिजिकल डिफरेंसेस है जैसे बॉयज की और गर्ल्स की फिजिक में. बॉयज की फिजिक्स है गर्ल्स के बॉडी स्ट्रक्चर या फिगर बोलते हैं. ठीक है जनरली बॉयज की बॉडी को हम अ परफेक्ट बॉडी इज अ वी शेप बॉडी जो है उसे कहते हैं. ठीक है फंक्शनिंग में भी फर्क आ जाता है. डेवलपमेंट है उसके इफेक्ट्स हैं ये सारी चीजें क्या होती हैं डिफरेंट हो जाती हैं. अब सबसे पहला जो है डिफरेंस वो है बॉडी साइज का. बॉयज और गर्ल्स की बॉडी साइज में डिफरेंस होता है. ठीक है नॉर्मली हम इस चीज को महसूस करते हैं और देखते हैं. जो कई चीजें बहुत इजीली विजिबल होती हैं कई चीजें इनविजिबल भी होती है लेकिन आर चेंजेस आर देयर इन दैट. जिसमें जो एवरेज है मेल की बॉडी और साइज की वो फीमेल के एवरेज साइज में फर्क होता है. बॉयज की इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग. ठीक है थ्रू नेचर है इसमें कहीं पर किसी का नहीं. बट डोंट थिंक दैट इट मीन्स दैट दे आर और बॉयज आर देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन नो बॉयज के नहीं बॉयज जो है और या और मेल्स आर मोर सुपीरियर. नो दैट इज अ वेरी नेचुरल थिंग. और ये जो गॉड गिफ्टेड नेचुरल थिंग्स है वहां पर हम किसी भी तरीके से फाइट या किसी भी चीज के बारे में नहीं बोल सकते. बॉडी का साइज बॉडी की शेप बॉडी मास जो है वो भी डिफरेंस रहता है. जैसे हम नोट करते हैं हाइट जो है एज कंपेयर टू फीमेल मेल की बड़ी होती है. ठीक है लंबे भी होते हैं चौड़े भी होते हैं कंपैरेटिवली. और उसके बाद बॉडी फैट भी है
एट सम स्टेज जो है वो फीमेल के ज्यादा हो जाते हैं, अदरवाइज जो बॉयज में फैट्स की या मेल में फैट्स जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है बॉडी में. देन अ वर्टिब्रा, ठीक है, वर्टिब्रे का, लेग्स का, नीज का डिफरेंस जो है क्योंकि लॉन्ग एंड लार्जर हो जाती हैं मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटन, इन सब चीजों में जो है वो चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं. जैसे शोल्डर्स हैं, पेल्विक रीजन्स हैं, पेल्विक रीजन जो है वो फीमेल का वाइडर देन द मेल होता है, ठीक है. अब है ये तो है फिजिकल डिफरेंसेस जो हम दूर से पहचान लेते हैं कि ये बॉय है या गर्ल है, मेल है या फीमेल है, उनकी जो अपेयरेंस होती है. लेकिन अब आता है क्वेश्चन, व्हाट इज फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस. फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं अब उसके बारे में थोड़ा सा आज करते हैं, ठीक है बेटा. इस चीज को महसूस भी किया जाता है या हम नॉर्मली इसे सर्च कर लेते हैं कि ये चीजें क्या है. तो उसमें आते हैं, सबसे पहला है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. सबसे पहला कौन सा है, इसमें आता है कार्डियोवास्कुलर अब ये होता क्या है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, व्हाट्स दैट, कैन एनीवन टेल बेटा व्हाट्स कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. हां जी, ये नॉर्मली मेजर किया जाता है मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम बाय अ पर्सन, जिसे हम VO2 मैक्स भी बोलते हैं. इसे हम कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के अंदर क्या आता है, मैक्सिमम जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है, ठीक है ना, उसके बारे में जो है वो है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. इसमें क्या होता है, हम कैपेसिटी और कैपेसिटी ऑफ आवर ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ऑक्सीजन एक्सरसाइजेस, जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं ना किसी भी टाइप के फिजिकल एक्सरसाइज या दूसरे, तो हमारी बॉडी में जो स्टोर या हमारी बॉडी को जिस जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है बेटा वो हम खर्च कर लेते हैं और रिक्वायर्ड होती है हमें फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए. हमें इस चीज का अच्छी तरह पता है कि स्ट्रेंथ में थोड़ा सा फर्क होने के कारण जो एक्सरसाइज है अमाउंट है वो भी मेल जो है कंपैरेटिवली ज्यादा करते हैं, और जब amount of a work is more than the consumption of the thing is also more. ये जो economics वाले बच्चे हैं उन्हें ये पता है, demand के according supply, ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, demand और supply का काम. इसी तरीके से अगर हम activity ज्यादा करेंगे, once wait for a second बेटा, let me take the photo. आज आपका क्लास टेस्ट भी है एज यू ऑल नो एट 5 PM, सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो, टेस्ट एंड मेजरमेंट्स में से. अब जो मेल होते हैं एथलीट्स, ठीक है ना, उनकी एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा होने के कारण क्या होता है, हायर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है एज कंपेयर टू फीमेल. फीमेल के कंपेरेटिवली इनकी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है कैरिंग वो ज्यादा होती है, ठीक है. उसके बाद दूसरा आता है इनका बोन्स का, ठीक है. ये फिजियोलॉजिकल चीजें बता रही हूँ बेटा भैया, ठीक है. फिजियोलॉजिकल में पहला क्या है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, दूसरा क्या है बोन्स एंड लिगामेंट्स. बोन्स एंड लिगामेंट्स जो है वो सेकंड पार्ट है. अब आपको अच्छी तरह पता है लिगामेंट्स क्या होते हैं, सॉरी बोन्स क्या है, हमारी मैकेनिकल चीज है बेटा जो हमारी मूवमेंट्स में हेल्पफुल होती है, ठीक है ना बेटा. ये क्या है, बॉयज की अगर हाइट ज्यादा है इसका मतलब बोन्स उनकी लंबी या लार्ज है या लॉन्ग है, दोनों में से एक चीज तो है ही है ना, ठीक है ना, दोनों है तभी वो कंपैरेटिवली हाइट गेन ज्यादा करते हैं. हाइट गेन ज्यादा करने का कारण एडवांटेजेस भी उनकी कंपैरेटिवली जो मैकेनिकल एडवांटेजेस है वो एज कंपेयर टू
फीमेल वो ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, द इंक्रीज ऑफ सरफेस एंड एंगुलर आर्टिकुलेशन होती है, काम करने की, टर्निंग करने की, रनिंग की, हर चीज की कंपैरेटिवली जो उनमें बोन्स जो है वो ज्यादा उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है इसी तरीके से, या हम कह सकते हैं जो लिगामेंट्स हैं और फीमेल एथलीट हैं वो मोर लेग्स और फ्रजाइल भी होते हैं, बोन्स भी कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा क्या होती हैं, डेलिकेट होती हैं। स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ जो है वो बॉयज में या मेल में ज्यादा होती है, जिसके कारण हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर हमने आम गेम्स देखी हो, जैसे रफ गेम्स हैं, फॉर एग्जांपल हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ठीक है ना, या इसमें क्या होता है किक करने का स्टाइल जो है, बॉल को किक करने का स्टाइल, उससे आपको पता चल जाता है हाइट जो है कंपैरेटिवली, ठीक है, ये जॉइंटली एंड नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन कि वो तो बहुत अच्छा करता है, ये बहुत अच्छी, एक जनरल उसका डाटा जो है वो ये है कि बॉयज की किक करने के स्टाइल में या उसकी थ्रो में कंपैरेटिवली फर्क होता है। ठीक है ना, इन चीजों का फर्क जो है वो आता ही आता है थ्रो करने में। जैसे हम आजकल जो चल रहे थे पीछे सीरीज गर्ल्स की और बॉयज की, इसकी क्रिकेट की, तो द वे बॉलिंग इज देयर बॉयज की और गर्ल्स की, बॉलिंग में, हिट करने में, फील्डिंग में कंपैरेटिवली थोड़ा फर्क होता है। नो डाउट इन देयर ओन वे दे आर गुड, बट बाय द नेचर और फिजियोलॉजिकली स्ट्रक्चर वाइज के कारण में एक्टिविटीज में या उनके मैकेनिकल उसमें फर्क आता है, जहां पर हम चेंजेस को इजीली सर्च कर सकते हैं या हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। फिर टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर जो है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, मसल्स फाइबर्स के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कैन एनीवन टेल बेटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था फास्ट ट्विच और लो ट्विच या वाइट और रेड ट्विच, ये क्या होते हैं, ये काम करने की क्षमता को बताते हैं। ठीक है ना बेटा, आपने ये नोट किया होगा, कई बच्चे हैं वो फटाफट काम कर लेते हैं, ठीक है, इमीडिएटली दे वांट टू फिनिश द वर्क, जिस तरीके से भी है जैसा भी है काम खत्म किया और साइड पे हो गई। कंपैरेटिवली एंड्योरेंस पावर जो है वो गर्ल्स या फीमेल की बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है बेटा, नो डाउट इट इज हेरिटेड आल्सो, ठीक है, हेरिडिटरी है कि थ्रू पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स है, लेकिन फिर भी एक कंडीशन है कि जो गर्ल्स होती हैं वो कंपैरेटिवली लेबोरियस होती हैं, उनमें एंडोरेंस पावर ज्यादा होती है, अंडर द कंडीशन ऑफ फटीक आल्सो दे कैन कंटिन्यू द वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वेयर एज इन द मेल दिस क्वालिटी इज लिटिल बिट लो। ठीक है, हम लो ट्विच हाई ट्विच में पढ़ते हैं ना बेटा, आपका एक जनरल मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि जैसे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे जो है, कई बच्चे होते हैं उन्हें क्या आदत होती है, फटाफट काम किया है, उनका फिर कोऑर्डिनेशन जो है कंपैरेटिवली वो भी कम होता है, रीजन बीइंग दे ऑलवेज मेक अ मिस्टेक और कमिट अ मिस्टेक मैक्सिमम, क्योंकि उनकी जल्दी जल्दी में मैक्सिमम ये ध्यान नहीं रहता और वो काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। नो डाउट एक्टिविटी एंड एक्टिवनेस मस्ट बी देयर, बट एज कंपेयर टू द एक्सपीरियंस जो स्ट्रेंथ है, मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो कंपैरेटिवली बॉयज में ज्यादा है, तो एंडोरेंस पावर फीमेल में ज्यादा है। उसके बाद आता है एज, एज हमेशा मैटर करती है हर जगह पर, अगर हम कंपैरिजन कर लें मेल, ठीक है, मेल फीमेल का या एज का
बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन उसके साथ एक और चीजें हैं, हम एक 5 साल के बच्चे के साथ 12 साल के बच्चे की रेस नहीं करवा सकते, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। रीजन बीइंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो 5 साल के बच्चा है वो कंपैरेटिवली क्या है बेटा, उससे वो काम नहीं होगा जो 12 साल की ग्रोथ वाले बच्चे के पास है। तो ये चीजें क्या है, बहुत जरूरी है। इन द सेम वे फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज ऑल्सो एज मैटर करती है। एज वी ऑल नो दैट आफ्टर 35 और 40 द डिक्रीजिंग स्टेज ऑफ द फीमेल इज स्टार्टिंग। बॉयज में या मेल में ये कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिवली उनकी जो बॉडी है या इफेक्टिवनेस है स्ट्रेंथ की वो ज़्यादा होती है और रेट ऑफ मसल्स जो है वो मैक्सिमम चीज़ों को आसानी से गेन करते हैं या लेते हैं, ठीक है बेटा। जो काम जो है वो नॉर्मल फिजिकल जो मैच्योरिटी है वो लेडीज में कंपैरेटिवली जल्दी आ जाती है एज कंपेयर टू बॉयज या मेल, इसलिए उनकी वर्किंग कैपेसिटी भी कंपैरेटिवली कम होती जाती है। अगर आपने नॉर्मली एड्स देखी हो तो उसमें ये आता है कि आफ्टर 40 और आफ्टर 30 लेडीज शुड स्टार्ट टेकिंग द कैल्शियम एंड ऑल। व्हाई? बिकॉज ऑफ द बोन्स, ठीक है, बोन्स की उनकी जो है वो ड्यू टू अ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर ये चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लिम्स और मसल्स की लेंथ है, अदर इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉयज और गर्ल्स में अलग होने के कारण लिफ्टिंग मूवमेंट्स है, किकिंग मूवमेंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो गर्ल्स के फटीक में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। ये है फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, समझ में आया बेटे, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो ये है नॉर्मली दोनों जेंडर्स में, समझ में आ गया बेटा, इतनी बात समझ